यूं ही कोई शख्सियत नहीं बनता, एक पूरी उम्र लग जाती है शख्सियत बनने में। आज हम जिनसे बात करेंगे वो हमारे साथ बैठे हैं पूर्व विधायक बनवर लाल सिंगल जी। अलवर शहर नहीं पूरे राजस्थान में कौन नहीं जानता, अपने वाक्यों का जो प्रयोग है किस तरह से करना चाहिए, कोई सीखना चाहे तो। सचिव जी सर आपका बहुत बहुत स्वागत है अलवर न्यूज चैनल में। बहुत धन्यवाद सर। एक चीज बताइए, शहर जो विधानसभा है वो भाजपा का गढ़ माना गया हुआ है, तो आप कितना सहमत है इससे? देखिए, ये अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र, इसको अगर हम ये कहेंगे किसी भी पार्टी का गढ़ है, भाजपा का या कांग्रेस का, तो ये निश्चित रूप से एक अतिशयोक्ति है। इसलिए है अतिशयोक्ति कि इस विधानसभा क्षेत्र में 1952 में जब राजस्थान की विधानसभा का गठन हुआ था, सबसे पहले छोटू सिंह जी आ रहे, दो बार विधायक बने, वो कांग्रेस के विधायक बने। उनके बाद तीन बार कम्युनिस्ट पार्टी के श्री रामानंद जी अग्रवाल विधायक बने। उनके बाद तीन बार श्री जीतमल जी जैन भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने। उनके बाद श्रीमती पुष्पा शर्मा, वो कांग्रेस से विधायक बन गई। उनके पश्चात श्री मती मीना अग्रवाल विधायक बन गई, और उनके पश्चात आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, जो केंद्र में मंत्री भी रहे, उसके बाद सांसद बने, वो दो बार विधायक बन गए। और जब भंवर जितेंद्र सिंह जी दो बार विधायक बने, 2008 तक वो विधायक थे, 1998 में बने थे, फिर तीन में बने थे, और जब मैं आठवें टिकट मांग रहा था तो ये कहा जाता था भंवर जितेंद्र सिंह जी जिसके गले में टिकट का पट्टा डाल देंगे वो व्यक्ति शहर से निर्वाचित हो जाएगा। इसलिए ये कहा जाना कि ये किसी भी पार्टी के लिए कोई गढ़ रहा है, ये मुझे लगता है ये निश्चित रूप से अतिशयोक्ति है। अलवर शहर में भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के लोग हैं, लेकिन इसमें कैंडिडेट का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। जिस प्रकार से छोटू सिंह जी को लोगों ने जिताया, तीन बार रामानंद जी जो कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट का एक साथ तीन बार जीतना, ये अलवर जैसे क्षेत्र में ही आश्चर्य जैसी बात है। अलवर विधानसभा को छोड़े थोड़ा सा आगे चले तो अलवर लोकसभा से लाला काशीराम जी निर्दलीय सांसद जीत कर गए थे। इस अलवर विधानसभा का गौरवशाली इतिहास है, और इसके साथ साथ एक चीज और जुड़ी है, यह अलवर विधानसभा आज तक 15 विधानसभा चुनाव के बाद भी कुमारी है। यहां से लोग सत्ता पक्ष के लोग भी जीत कर गए, लेकिन अलवर विधानसभा का विधायक आज तक मंत्री नहीं बना, ये क्या कारण है? अलवर विधानसभा के अतिरिक्त जो जिले की 10 विधानसभा है उनमें से हर विधानसभा से कोई ना कोई कभी ना कभी मंत्री बना है, लेकिन अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र से भंवर जितेंद्र सिंह जैसा एक बड़ा व्यक्तित्व जो उस समय कांग्रेस में माने जाते थे, उनको भी मंत्री बनने का अवसर नहीं मिला। जीतमल जी भी सत्ता दल में जीत कर गए, उनको भी अवसर नहीं मिला। और शुरू शुरू में तो छोटू सिंह जी कांग्रेस, देश में कांग्रेस ही थी उस समय, कांग्रेस के विधायक थे तो भी मंत्री नहीं बने। तो मेरा ये कहना है, गढ़ कहना किसी को भी ये मुश्किल और अतिशयोक्ति है। मेरा इसमें ये मानना है पार्टी का बहुत बड़ा रोल है, और उसके साथ साथ व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है उसका भी बहुत बड़ा रोल है कि लोगों के बीच में उसका कैसा प्रतिबिंब निकल कर जाता है, किस प्रकार की उसकी छवि जाती है और किस प्रकार का उस व्यक्ति का व्यवहार जाता है, ये सब चीजें मिलाकर एक विधानसभा के प्रत्याशी का चयन होना चाहिए और होता है। उसके पश्चात पार्टी का तो सबसे बड़ा रोल है ही, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति, हमने देखा है लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ लड़ के किस प्रकार के परिणाम प्राप्त किए, कोई लाभ नहीं मिला किसी को। सर आपके खिलाफ आरोप भी है, एक वर्ग है जो ये कहता है कि आप हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, तो आप इससे कितना सहमत हो और क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, इसको मैं आरोप नहीं मानता, इसको तो मैं मेरा गुण मानता हूं स्वयं के लिए, एक ये मानता हूं मेरे लिए एक ईश्वरीय वरदान है कि मैं हिंदू हूं और हिंदुत्व की बातचीत करता हूं। मैं किसी धर्म के या जाति के खिलाफ बात नहीं करता, लेकिन हिंदुत्व के लिए दृढ़ हूं और हिंदुत्व की बात मजबूती से करता हूं। अगर कहीं किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति हिंदुत्व पर किसी भी प्रकार की अंगुली उठाने का प्रयास करता है तो मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूं। मैं उसको किसी भी स्थिति में उसको बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि ये मेरे, ऐसा नहीं है कोई राजनीतिक कारण है, ये मेरे स्वभाव के कारण से है कि मैं कट्टर हिंदुत्व में विश्वास करता हूं, कट्टर धार्मिक मान्यताओं में विश्वास करता हूं, हमारे देवी देवताओं में विश्वास करता हूं। बल्कि मैं तो अगर देखा जाए तो ये भी कहता हूं कि अगर इस्लाम को देखेंगे तो इस्लाम में जिस प्रकार से इन मजारों को, जो कब्र है, इन कब्रों को पक्का बनाना और उनको पूजना, ये बुत परस्ती माना जाता है। इन पे जो अधिकतम लोग जाते हैं वो हमारे हिंदू समाज के वो लोग हैं जो बहुत जल्दी चमत्कार चाहते हैं। तो हमारे देवी देवताओं में, अगर हिंदू देवी देवताओं में चमत्कार नहीं है, उनमें शक्ति नहीं है, तो उन मजारों में शक्ति कहां से आएगी? और जब मैं इस तरह की बात करता हूं तो लोग कहते हैं कि ये कट्टरवादी हिंदू है,
मुझे कट्टरवादी हिंदू होने पर भी गर्व है, और अगर लोग मुझे ये कहते हैं कि मैं हिंदुत्व की राजनीति करता हूं तो मेरे लिए हिंदुत्व की राजनीति करना कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कुल जो गैर हिंदू वोट है वो कुल मेरे ख्याल से 10,000 होंगे 12,000 होंगे, तो उन वोट के लिए किसी व्यक्ति को हिंदुत्व की राजनीति करने के लिए ऐसा मेरा सोचा गया ऐसी आवश्यकता नहीं है। किंतु चूंकि मैं दृढ़ हिंदू हूं, निश्चय हिंदू हूं, पक्का हिंदू हूं और हिंदुत्व की बात करता हूं, पूजा पाठ में विश्वास करता हूं, पूजा पाठ करता हूं, कोई भी मेरे घर में अगर परिवार में कोई कार्यक्रम होता है तो मेरा पूरा परिवार छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक सब लोग जाकर गौशाला में अपना जन्मदिन हो या अपने वैवाहिक वर्षगांठ हो या मेरे पिताजी की पुण्यतिथि हो, इन सबको मनाने के लिए हमारे पास सबसे श्रेष्ठ स्थान है गौशाला। हम वहां जाते हैं, गौ माता को चारा खिलाते हैं, उसका मिष्ठान गुड़ खिलाते हैं और आनंदित महसूस करते हैं, अपना सेलिब्रेशन वहां करते हैं, ना केक काट कर करते हैं ना कोई पार्टी करके करते हैं, भगवान को धन्यवाद देने जाते हैं और गौ माता को धन्यवाद देने जाते हैं, हे ईश्वर आपने श्रेष्ठ जन्म दिया और उसके बाद अच्छी विचारधारा दी, इसके लिए भगवान का धन्यवाद करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए ये आरोप कोई भी अगर मुझ पर लगाए कि मैं कट्टरवादी हिंदू हूं, मैं दृढ़ हिंदू हूं, निश्चय हिंदू हूं और हिंदुत्व की ही बात करता हूं। सर एक बयान भी आया था आपका मंत्री जी के खिलाफ कि टीका खान लिख लें, वो क्या मामला था? वो बड़ी हास्यास्पद सी बात थी। हमारे जो अभी वर्तमान में अलवर जिला से मंत्री है, अब तो दो मंत्री हो गए, पहले एक मंत्री थे टीकाराम जी जुली, उन्होंने जब ये राम मंदिर के निर्माण के लिए जो राशि एकत्रीकरण का काम चल रहा था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा, उसमें मैं भी स्वयं भी संघ के और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण जो समिति है वहां उनके आदेश पर लोगों के बीच में जाकर राशि एकत्रित कर रहा था। पता नहीं किस कारण से टीकाराम जी जुली ने बयान दे दिया कि ये संघ के लोग और भाजपा के जो लोग हैं ये श्री राम जी के मंदिर के निर्माण पर पैसे इकट्ठे करके खा रहे हैं। तब मैंने ये बयान दिया था कि श्री राम जी के प्रति आस्था के कारण टीकाराम जी के माता पिता ने उनके नाम के साथ टीका के साथ राम लगाया होगा, और अगर वो ऐसा बयान दे रहे तो निश्चित रूप से उनकी मानसिकता हिंदुत्व के खिलाफ नजर आती है। तब मैंने ये बयान दिया था, लेकिन ये बयान तो पुराना हो गया, अब इसकी तो बात ही वर्तमान में प्रासंगिक नहीं लग रही है। अच्छा सर एक चीज बताइए कि अब चुनाव आने वाले हैं, हर कोई चुनाव की तैयारी कर रहा है, हर नेता छोटा हो या बड़ा हो ये कह रहा है कि टिकट तो मेरी जेब में है, आप क्या कहेंगे इस पे, क्या आपका क्या मानना है? और दूसरा यदि आपको पार्टी अगर टिकट देती है तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए किसी भी व्यक्ति का ये भ्रम कि किसी भी कारण से टिकट किसी की जेब में है, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई दूसरा राजनीतिक दल हो, उनके सबके अपने प्रत्याशी चयन के तरीके हैं, किस पार्टी की पब्लिक में कितनी इमेज है, किस प्रत्याशी की पब्लिक में कितनी पकड़ है, उनके पैरामीटर है, मापदंड है, उन मापदंड पे जिस व्यक्ति को पार्टी खरा समझती है उसको चुपचाप टिकट देती है और टिकट की लॉटरी खोलती है। जिस दिन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो प्रत्याशियों की घोषणा करते हैं तो लोगों को टीवी से पता लगता है कि आज किसको टिकट मिला है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति किसी भी कारण से ये कहता है कि टिकट मेरी जेब में है तो मुझे लगता है कि ये वो अज्ञान में भ्रमण कर रहे हैं। मैं तो ये मानता हूं कि मैं भी एक प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से अपनी प्रार्थना करता हूं कि मुझे जिस प्रकार से दो बार सेवा का अवसर मिला, हो सकता है अगली बार भी मिले, तो मैं भी अपना जितना मेहनत करके मैंने पिछली बार काम किया दो बार में, उससे अधिक मेहनत करके इस शहर की जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो सड़कों की समस्या हो, चाहे वो आज सफाई की जो दुर्गति हो गई है शहर की उसकी समस्या हो, या नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड फिर से स्थापित करने की बात हो, इसके अतिरिक्त कानून की व्यवस्था हो, इसके अलावा इंस्पेक्टर राज की व्यवस्था हो, जो इंस्पेक्टर राज से आज हमारे शहर का एक एक व्यापारी परेशान है, कानून व्यवस्था नहीं होने के कारण से हमारे शहर की बहन बेटियां वापस भयभीत महसूस करने लगी है, किसी के गले से चैन टूट रही है तो कोई अपनी सब्जी लेने के लिए गई है तो उसकी स्कूटी चोरी हो रही है, गाड़ियों के शीशे तोड़कर चोरी हो रही है, गाड़ियों के पेट्रोल के टैंक खोलकर चोरी हो रही है, इस तरह की जो घटना है अलवर शहर में वापस अपना स्थान बना गई है। मेरा ये मानना है कि अगर मुझे फिर अवसर मिला तो मैं अपनी ही कार्यशैली से अपने सब लोगों को साथ लेकर, प्रशासन को साथ लेकर अलवर को गुंडा मुक्त, अलवर को इंस्पेक्टर राज मुक्त बनाऊंगा। पानी की समस्या से मुक्त करने का जो मेरा प्रयास पहले था मैं बहुत हद तक उसमें सफल हुआ था, अब अव्यवस्था के कारण से वो सारा सब कुछ ढांचा खराब हो गया है, उसको पुनः स्थापित करने का काम करेंगे, अलवर के लोगों को शुद्ध और ऐसा जोरदार शासन देने का प्रयास करूंगा जिसमें हर व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित और आनंदित महसूस करेंगे। अच्छा सर लास्ट में जाते हुए एक आपसे छोटा सा सवाल हम करेंगे कि रामगढ़ से भी लोग आवाज उठा रहे हैं कि बनवर लाल सिंघल जी यहां से चुनाव लड़ें, और काफी लोग कह रहे हैं कि बनवर लाल सिंघल जी वहां से टिकट मांग रहे हैं, क्या आप रामगढ़ से टिकट मांग रहे हैं या फिर लोगों का विशेष स्नेह, क्या कारण है? देखिए मैं बिल्कुल टिकट नहीं मांग रहा रामगढ़ से, एक बार भी नहीं मांगा ना मैंने कहीं, मैं तो बल्कि ये कहने जाता हूं हाथ जोड़कर कि मुझे रामगढ़ से चुनाव मत लड़ा देना।
रामगढ़ मेरा ससुराल है और अब मुझे शादी के 32 वर्ष वापस ससुराल की शरण लेनी पड़े तो मैं समझता हूं कि ये थोड़ा सा मेरे लिए ऐसा लगेगा। हालांकि लोग बहुत प्रेम रखते हैं, बहुत स्नेह रखते हैं और मेरा जो एक हिंदुत्ववादी दृष्टिकोण है, मेरा जो काम करने का तरीका और नजरिया है, उसके कारण से मुझे लगता है कि लोग वहां अब अपनी स्वो मोटो सेल्फ कॉग्निजेंस से, स्वय प्रेरित संज्ञान से वो लोग ये कहते हैं बनवारी लाल सिंघल को रामगढ़ से चुनाव लड़ाओ। जबकि मैं बार बार हाथ जोड़कर मेरी पार्टी को कह रहा हूं कि मुझे अलवर से चुनाव लड़ाओ, अलवर में मेरा जन्म हुआ है, अलवर में मेरी शिक्षा हुई है, अलवर में एक एक व्यक्ति के बीच में मैं पला बढ़ा हूं। आज जितने लोगों को अलवर में नाम से, परिवार से, उनके पीढ़ियों से मैं जानता हूं, मुझे लगता है कि इतने लोगों को किसी दूसरे व्यक्ति की क्षमता नहीं है जानने की, व्यक्तिगत रूप से, नाम से, परिवार से, व्यापार से या नौकरी से, जितना मैं जानता हूं एक एक व्यक्ति को, यहां तक कि हमारे शहर की बहनों को भी बहुत बड़ी संख्या में मैंने इस 10 वर्ष में उन लोगों से पहचान, बहनों से पहचान की है जिन्होंने कभी भी कोई मुझे छोटा मोटा काम बता दिया। आप ये मानकर चल लीजिए वो छोटी बहन हो या बड़ी हो, वो निश्चित रूप से मेरे संपर्क में आज भी है, अपना निसंकोच मुझे अपना काम बताती है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र, वहां मैंने जब मैं शादी से पूर्व मेरी वहां दुकान थी और दुकान होने के कारण से मैंने लंबे समय तक 10 वर्ष तक वहां काम किया और उस समय भी मेरे अंदर ये जो हिंदुत्व की जो बात है, ये काम मैं उस समय भी करता था, दुकान के साथ साथ भी हिंदुत्व का काम करता था और वो मेरी पुरानी जो छवि है। और उसके बाद जब मैं 10 वर्ष यहाँ विधायक रहा और जिस प्रकार के कार्य व्यवहार को मैंने अपने जीवन में अपनाया, मुझे लगता है कि वो हिंदुत्व की छवि के कारण लोग ये चाहते हैं कि बनवारी लाल सिंघल को अगली बार रामगढ़ से लड़ाओ। तो मैं तो अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ के लोगों से ये अपील और प्रार्थना करना चाहता हूं कि बहुत लोग वहां टिकट मांग रहे हैं, आप उनमें से किसी को अवसर दीजिए। मुझे तो अलवर से प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना कीजिए अलवर से अवसर मिले और फिर से अलवर के लोगों को, अलवर मुख्यालय है जिले का, यहाँ जिस प्रकार से हम लोग 9 सीट पर थे और अब वापस हम 2 सीट पर हैं, पुनः अलवर के इस जिले के वैभव को प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ूं। मुझे लगता है कि मैं अन्य सीटों पर भी थोड़ा बहुत जो अपना कार्यशैली है उसके हिसाब से या जो पार्टी प्रत्याशियों का चयन करेगी उनके साथ सहयोग करके हम पुनः अपने खोए हुए वैभव को प्राप्त करना चाहते हैं। 2008 में हम जो 7 विधान विधायक जीते थे और 13 में हम लोग 9 विधायक जीते थे और क्या हुआ, भगवान की क्या अलवर पर नजर टेढ़ी हुई कि हम 2 रह गए। पुनः एक बड़े समूह के साथ हम जाकर इस अलवर के विकास की गति को पंख लगाना चाहते हैं और फिर जिस प्रकार से NCR का पैसा हमारे समय में पहली बार आया था, इसके अतिरिक्त हम मिशन अमृत का पैसा आया था, NCR परियोजना का पैसा आया था, केंद्र की योजनाओं का पैसा पहली बार मुझे लगता है उस समय आने का अलवर को अवसर मिला। उससे पहले अगर पैसा आया होगा तो इतनी बड़ी राशि में कभी नहीं आया, हजारों हजारों करोड़ रुपए पूरे जिले को मिला। ये हम सब लोगों के समन्वित प्रयास से हुआ। अब वर्तमान में जो व्यवस्था है शहर में, पानी की सबसे ज्यादा समस्या है और हमने अपने समय में इसमें बहुत बड़े हद तक सफलता प्राप्त की थी, किंतु अब वर्तमान में व्यवस्थाओं के खराब हो जाने के कारण से, पुरानी लाइनों में फिर से पानी सुचारू हो जाने के कारण से या डबल लाइन में पानी सुचारू, अवैध कनेक्शन की भी भरमार हुई है उसके कारण से, ये जो व्यवस्था खराब हुई है उसको ठीक करेंगे। लोगों के घर तक पानी पहुंचाना पहली प्राथमिकता होगी, इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था बनाना और इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाना, ये सब व्यवस्थाओं को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। आज आपने मुझे अपने स्टूडियो में याद किया और मेरे से बातचीत करने का जो मुझे अवसर दिया है, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल जी, बात की हमने इनसे और आगे भी हम मिलाते रहेंगे अलवर की शख्सियतों से। तब तक के लिए अलवर न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। जय श्री राम।